नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। और आज सुबह मैं अपने साथ यश को लेके आई हूँ। मैंने कहा कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यश को फिर उठाते कमल जी फिर लेट होता। पीछे खड़ा है। खैर आज थोड़ा लेट भी आई हूँ, दूसरे दिन कंपेरेटिवली धूप तेज हो गई है। सात बजने वाले हैं, शायद पौने सात होगा। आज एक्चुअली शैम्पू करना था तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। आज सोच रही थी मैं मेहंदी लगाने का, लेकिन वही है ना कि जैसे नहा लो जल्दी तो फिर लगता है कि दिन में कि लगाओ ना लगाओ टाइम की वजह से लगा नहीं पाती। देखती हूँ अभी, आजकल में तो नहीं हुआ, दो चार दिन में टाइम मिलेगा तो लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ बीच वाले बाल काफ़ी ग्रे हो रहे हैं मेरे। सुबह सुबह की धूप है, सुबह सुबह की धूप है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि कितनी तेज धूप हो रही है। और आप लोगों ने पनीर की रेसिपी के लिए बोला था, तो आज यश बनाएगा। यश कहाँ भाग रहे हो? तो मैंने कहा कि जब बनाओ तो फिर थोड़ा सा मुझे रिकॉर्ड करने देना, क्योंकि बनता बहुत टेस्टी है, लेकिन इसने मुझे बताता नहीं है। तो किचन में पहले दरवाज़ा था, ये दरवाज़ा बंद कर देता था, तो अब दरवाज़ा हटवा दिया तो बंद नहीं कर पाता, लेकिन बताता नहीं है। तो आज यश शेयर करेगा अपनी रेसिपी। और आज हम लोगों को कहीं जाना है, तो अभी थोड़ी देर में बताऊंगी आपको कहाँ जा रहे हैं हम लोग। ये सेकंड फ्लोर की बालकनी पे हमने गिलोई लगा रखा है, तो गिलोई की बेल ये छत तक जा रही है। मैं कुछ गिलोई के पत्ते तोड़ रही हूँ। और ये मैं एक्चुअली कहीं जाने वाले हैं आज हम लोग, तो जहाँ पे जाएंगे तो उनके लिए लेके जाएंगे। ये आपको बैकग्राउंड में बच्चों के भी चिल्लाने की आवाज़ आ रही होगी, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बच्चे चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। और ये आजकल तो ये हो गया ना कि हल्दी गिलोय यही सब लोग गिफ्ट ले जाएंगे, क्योंकि ज़माना बिल्कुल बदल गया है। तो ये थोड़ा से गिलोय के पत्ते और टहनी ले जा रही हूँ मैं, ताकि इसको लगा भी सके। इसकी टहनी आराम से लग जाती है, तो आप चाहे तो कहीं से इसकी टहनी अरेंज करके कहीं से मंगा के आप अपने गमले में लगा सकते हैं, और ये बहुत जल्दी बढ़ जाता है। अब मैं नीचे जा रही हूँ किचन की ओर प्रस्थान यश के साथ। अब किचन में मैं पहुंच गई हूँ यश के साथ। आज कैमरा को मैंने पकड़ रखा है, और इसको पनीर को यश ने मैरिनेट होने के लिए छोड़ रखा है। इसमें धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और सरसों का तेल, ये सब थोड़ा थोड़ा डाला है। यश एक्चुअली पहले मैरिनेशन के लिए इसने रख दिया था। अब शिमला मिर्च एक यूज़ कर रहा है, और 200 ग्राम पनीर है, और शिमला मिर्च के जो बीज वगैरह हैं उसको सबको निकाल दिया है। आज मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ यश को, और ये टमाटर मैं लेके आई हूँ, ये 6-7 टमाटर हैं। आप चाहे तो शिमला मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर पनीर ज़्यादा है तो। बाकी जैसे यश बनाता है वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, दिखा नहीं रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ एज इट इज़। और टमाटर जो इसने यश ने काटा है, एक टमाटर लिया है, इसको इसके बीज वगैरह निकाल लिए इस तरीके से, और उसको 8 पीस में काटा है। फिर एक प्याज लिया है। वैसे सब्जी में प्याज ज़्यादा डलेंगे, लेकिन ये यश अलग तरीके से जो काट रहा है उसके लिए बता रही हूँ। और अदरक का टुकड़ा, और इस सब्जी में भी जो खड़े गरम मसाले होते हैं उसकी कमी है। और ये बाकी के टमाटर यश ने काट लिए हैं, ये मीडियम साइज़ के 5-6 टमाटर हैं। और ये लहसुन, हम लोगों के घर का जो चाकू है, जो सबसे शार्प चाकू है, ये चाकू है जो कि बिल्कुल ब्लंट है। एक्चुअली कमल जी हम लोगों को ज़्यादा शार्प चाकू नहीं लाने देते, उन्हें लगता है कि हाथ ना कट जाए इसलिए।
और जिंजर इस तरीके से काट रहा है यश, मैं पहली बार देख रही हूँ उसको ऐसे काटते हुए। और ये मुझे नहीं पता उसको कौन खाना बनाना सिखाता है और कहाँ से देखता है, क्योंकि मैंने आज तक उसको कभी वीडियो वगैरह देखते हुए नहीं देखा खाने की। बीच में एक आध बार देखता था केक वगैरह का, वो भी इसलिए केक या पिज़्ज़ा का कि आप बना दो, मुझे बनाने के लिए बोलता था। और इस तरीके से इसने एक शिमला मिर्च, एक टमाटर और एक प्याज काटा है। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ली है, लगभग 1 चम्मच, छोटा चम्मच, और थोड़ा सा अजवाइन। और थोड़ा सा साबुत धनिया और साबुत लाल मिर्च। साबुत धनिया मैं थोड़ा बहुत रखती हूँ, कई बार कुछ सब्जियों में पीस के से डालने में अच्छा लगता है। और थोड़ा सा जीरा लिया है, और ये 4-5 लाल मिर्च। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है थोड़ा कम ले सकते हैं। इन सभी मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। और यश को मैंने एक चीज़ नोटिस किया, वो ज़्यादातर चीज़ों में कुछ चलाने के लिए यूज़ नहीं करता, फ्राइंग पैन को ही उठा पटक करके चीज़ों को चला लेता। और इसमें इसने हल्का सा नमक डाला है, मैंने पूछा नमक क्यों डाला है आपने, तो उसने बोला नमक की वजह से ये जल्दी गर्म होएगा और अच्छी तरीके से होगा। अब इसका मुझे लॉजिक नहीं पता, लेकिन अब ये नहीं पता उसको कौन से गुरुजी ने सिखाया है, लेकिन उसने ऐसे नमक डाल के किया है तो वो मैं बता रही हूँ आपको। और ये टमाटर जो है इनको इसका पेस्ट बना लिया, सिर्फ इसमें टमाटर है, और इसको पेस्ट को अलग कर लिया। और बाकी जो ये प्याज थे इसको पानी में आधा आधा करके रखा हुआ था, तो वो प्याज कटिंग कर रहा है। और ये जिंजर गार्लिक और ये दालचीनी, दालचीनी सिर्फ इसलिए है क्योंकि बाकी जो अगर खड़े गरम मसाले होते हैं, अगर आपके पास वो है खड़े गरम मसाले तो आप यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों के पास अभी सारे जो खड़े गरम मसाले हैं वो ख़त्म हैं, तो इसलिए हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है। और फ्राइंग पैन में यश ने घी लिया है, देसी घी। वैसे ये नहीं पता ये देसी है विदेशी है, क्योंकि ये बाहर का है, पतंजलि का घी है, घर में बनाया हुआ नहीं है। और ये प्याज यश ने इस तरीके से चॉप किया है, और इसमें जीरा डाला है। दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल लिया है, सरसों का तेल और जीरा, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, पेस्ट नहीं, वो जो उसने क्रश करा था या बारीक काटा था वो डाला है। और इस साइड घी में डाला है, वही पनीर, पनीर कह रही हूँ, घी में डाला है शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज के टुकड़े। अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे पता लग रहा है ये बेचारा कितने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाता है। और मुझे तो खाने में अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं पता इतनी मेहनत लगती है इसके पीछे। और इसमें प्याज डाल दिया, जब थोड़ा सा गोल्डन टाइप का हो गया जिंजर और गार्लिक, उसके बाद डाला है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा बिल्कुल उसने मसाला डाला है, इसमें नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, ये तीन चीज़ें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी डाली हैं, एक साथ ही अभी नहीं डाला है। और इसमें मिर्च पाउडर अभी नहीं ऐड किया है, इसका रीज़न मुझे नहीं पता, जो था वही मैं बस बता रही हूँ। अब मुझे पता चला मेरे किचन की सारी टाइल्स पे यश जब खाना बनाता है उसके बाद तेल क्यों लगा होता है, टाइल्स पे, कप पे, हर चीज़ों पे, क्योंकि वो इतना उछाल उछाल के बनाता है खाना। और इस बार यश थोड़ा किचन के जो प्लेट्स वगैरह गंदे हो रहे हैं हल्के फुल्के, वो साफ साथ में करता जा रहा है। अब पनीर यश ने डाल दिया है इसमें,
और ये खड़े मसाले हैं, ये आपको तुरंत नहीं पीसने, इसको थोड़ा ठंडा होने दें। मिक्सी के जार में तुरंत गर्म नहीं पीसना है, थोड़ा ठंडा होने के बाद ही इसको पीसें। अब उसके बाद जब ये थोड़ा सा प्याज येलो इस टाइप का हो गया, तब उसमें धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक जितना डालना था वो प्रॉपर तरीके से डाल रहा है, जितना सब्जी में चाहिए होता है उस हिसाब से। और ड्राई मैंगो पाउडर, अमचूर पाउडर, ये बिल्कुल ख़त्म सा है हमारे पास। और ये मीट मसाला, ये टाटा संपन्न का है। अब इस सब्जी का कलर बहुत अच्छा सा आ रहा है। और ये जो खड़े मसाले हैं, ये बिल्कुल दरदरा सा पीसना है, इस टाइप का, जैसे फ्लेक्स टाइप के बन जाए। और अब जो प्याज गोल्डन टाइप का हो गया था और मसालों में खुशबू आने लगी थी, तो टमाटर पिसा हुआ डाल दिया इसमें। उसके बाद इसको कवर कर दिया मीडियम फ्लेम पे। और ये जो फ्लेक्स टाइप के बनाए थे, इसको धीरे धीरे पनीर में ऐड कर रहा है। और बाकी के बचे हुए थोड़े से फ्लेक्स इसमें डाल दिए हैं। तभी जो यश खाना बनाता है तो पिसा हुआ मसाला वगैरह ज़रूर रखता है, जो घर में पिसा हुआ, उसकी वजह से उसका टेस्ट अलग होता है। और ये बेसन है, ये 1 टेबल स्पून बेसन डाला है, जिससे कि इसकी ग्रेवी थिक हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी अच्छी हो जाए, मतलब प्याज अलग से ना दिखे, क्योंकि ऐसे अगर पानी डालेंगे तो पतली हो जाएगी ग्रेवी, तो इसलिए बेसन डाला है। पर मुझे नहीं पता था कि यश को ये सब बेसिक चीज़ें जैसे ग्रेवी वगैरह में बेसन वगैरह यूज़ करना, ये सब भी पता है। और पानी धीरे धीरे करके डालना है, एक साथ ही बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ग्रेवी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, अब इसमें कसूरी मेथी डाला है 1 टेबल स्पून लगभग। और ये जो पनीर है, ये एकदम कम आँच पे तैयार हो रहा था इस साइड, तो पनीर भी लगभग तैयार हो चुका है और ग्रेवी हमारी पक चुकी है। और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, ये भी घर में पिसा हुआ आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो बाहर का भी यूज़ कर सकते हैं, घर में पिसा हुआ है ये। अब ये पक चुकी है ग्रेवी, और ये जो है इसको हम फ्राइंग पैन में डालेंगे। पहले मुझे लगा था ये जो पनीर है इसको इसमें पलटेगा यश, लेकिन इसको ग्रेवी को इसमें फ्राइंग पैन में डाल रहे हैं। और दोनों गैस बंद कर दिए हैं। ये बन के तैयार हो चुका है कढ़ाई पनीर, और मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आप लोग कैसे बनाते हैं, लेकिन यश ने ऐसे बनाया था। आप लोगों ने काफ़ी टाइम पहले भी बोला था, जब पहले ब्लॉग डालती थी, और अभी भी बोला था, तभी मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और इस ब्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि अगर मैं और लंबा करूँगी तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और बाकी का जो दिन का है, दिन का रूटीन, वो मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।